हेलो एवरीवन, राम राम। मेरा नाम मनीष गोस्वामी है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल, काल या समय। ये हो गया टेंस का हिंदी। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि टेंस क्या होता है या टेंस किसे कहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? इट इज ए वर्ब फॉर्म विच रिफर्स स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब कि जो टेंस होता है वह वर्ब का रूप होता है, क्रिया का रूप होता है, ठीक है, वर्ब फॉर्म, जो हमें रिफर करता है, दर्शाता है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, किसी समय के विशेष बिंदु, यानी कि टाइम में किस टाइम पे वह एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, उस समय बिंदु को हमें वह दर्शाता है वर्ब का रूप। तो इसमें दो चीजें मेन है, पहला वर्ब का रूप और दूसरा टाइम। तो चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए हम टाइम के बारे में। टाइम क्या होता है? समय। समय क्या दर्शाता है? समय से हम कोई काम किस समय में कर रहे हैं। समय कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टाइम होते हैं। प्रेजेंट की पहचान हम कैसे करते हैं? जो काम वर्तमान समय में हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट। जो काम पास्ट में, यानी कि जो काम बीत गया हो उस समय को क्या कहते हैं? पास्ट। और जो आने वाला टाइम है उस समय को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। यानी कि जो चल रहा है वह प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट टाइम होगा, जो बीत गया है वह पास्ट टाइम होगा, और जो आने वाला है वह फ्यूचर टाइम होगा। अब हमें बात आती है पहचानेंगे कैसे हिंदी टेंस में। हिंदी ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो हिंदी में प्रेजेंट की पहचान होती है हैं, हूं, हो। ये हो गई हमारी प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट में क्या होगा? हैं होगा, हैं होगा, हूं होगा और हो होगा, तो वह प्रेजेंट की पहचान हो जाएगी। फ्यूचर की पहचान क्या होती है? का, के, की। गा के दिया गया तो फ्यूचर, और बाकी सब इसमें आएंगे पास्ट टेंस। यानी कि अगर हमें टेंस की पहचान करनी है तो प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे? हैं, हूं, है, हूं और हो आ गया तो प्रेजेंट टेंस। पास्ट का फ्यूचर कैसे पहचानेंगे? गागे की, गागे भी आ जाएगा तो फ्यूचर टेंस। और ये दोनों हैं, हूं और हो, गागे की, अगर ये ना आए तो हम समझ जाएंगे कि वो टेंस किसमें है? पास्ट में। अब टाइम में जो हमारा पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। पॉइंट इन टाइम, पॉइंट कितने होते हैं? सभी टेंस में चार टाइम होते हैं। टाइम के जो पॉइंट होते हैं वो चार होते हैं। इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों हमारे पॉइंट इन टाइम होंगे। इंडिफिनिट को कैसे पहचानेंगे? इंडिफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जिसमें समय क्या हो? अनिश्चित हो। अगर हमारा समय अनिश्चित है तो वह किस टेंस में आएगा? इंडिफिनिट टेंस में, ठीक। इसमें रेगुलर बेसिस पे काम किया जाता है। हैबिट हो वो भी इंडिफिनिट में आएगा। अगर वह एक्शन फ्रिक्वेंट हो तो भी इंडिफिनिट में आएगा। अगर मान लीजिए कोई आदत है, किसी की हैबिट है
और लास्ट में है हूं हो दिया है, तो हैबिट है तो इंफिनिट हो जाएगा और है हूं हो दिया है तो प्रेजेंट हो जाएगा, तो दोनों को मिक्स कर देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? रेगुलर बेसिस पे वो काम होना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए या फ्रेक्वेंट होना चाहिए। फ्रेक्वेंट का मतलब अक्सर या प्राय, जो कभी कभार चल जाता हो। जैसे मान लीजिए हम विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे तो विद्यालय जाते हो रेगुलर बेसिस पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि डेली डेली थोड़ी ना विद्यालय जाते हैं। मान लीजिए किसी दिन संडे पड़ जाता है या किसी दिन नहीं जाया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो वो फ्रेक्वेंट बेसिस पे एक्शन होता है। अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करते हैं? कंटिन्यूअस को हम कहते हैं इसमें जो एक्शन होता है वह क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता है या प्रोसेस में होता है। प्रोसेस का मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं या अभी मैं खड़ा हूं, तो यह सब काम इनकम्प्लीट है या प्रोसेस में है, तो यह किसमें आएगा? कंटिन्यूअस में आएगा। परफेक्ट का मतलब जो काम कंप्लीट हो गया है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण। और इसको क्या कहते हैं? पूर्ण। परफेक्ट टेंस का मतलब जो काम पूर्ण है, कंप्लीट है, वह परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें दोनों है, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। तो यह एक ऐसा टेंस होगा जिसमें कुछ हिस्सा काम जो एक्शन होगा वह कुछ हिस्सा पूरा होगा और कुछ हिस्सा अधूरा होगा, मतलब इनकम्प्लीशन विथ पार्शियल कंप्लीशन। हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण और अपूर्ण। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइम, टाइम का मतलब समय। अब देखिए टाइम कितने होते हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान में चल रहा हो, पास्ट का मतलब जो बीत गया हो और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला हो। प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? जिसके अंत में है, हूं और हो आ जाता है वो प्रेजेंट का हो जाता है। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या करते हैं? का, गे, गी, फ्यूचर टेंस हो गया। और इन दोनों के अलावा, प्रेजेंट और फ्यूचर के अलावा, जो हमको लगता है कि आप सब लोगों को मालूम होगा, जानते होंगे पहले से ही, अगर ये दोनों ना आए, प्रेजेंट का है हूं हो ना आए या गा, गे, गी ना आए, इन दोनों के अलावा अंत में अगर कोई भी अक्षर आए तो वह पास्ट टेंस में आता है। अब ये जो टाइम है इसका जो पॉइंट है वह सभी टाइम में चार होता है। प्रेजेंट में भी चार पॉइंट होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। यानी कि प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो अब इस जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको हम कैसे पहचानेंगे? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसमें समय अनिश्चित हो वह इंडेफिनिट कहलाता है। और इसका जो एक्शन होगा वह रेगुलर बेसिस पे होगा या हैबिट होगी या फिर वह फ्रीक्वेंट होता होगा, तो वह किस टेंस में आएगा? इंडेफिनिट में। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब जो प्रोसेस में हो या इनकम्प्लीट हो, यानी कि जो एक्शन अपूर्ण है वह कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? वह एक्शन जो होगा वह कंप्लीट होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे? वह एक्शन, इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होगा इनकम्प्लीशन विथ पार्शियल कंप्लीशन। मतलब इनकम्प्लीशन माने अधूरा, विथ माने के साथ, किसके साथ? पार्शियल माने कुछ हिस्सा कंप्लीशन रहेगा, यानी कि एक ऐसा एक्शन जिसका कुछ हिस्सा पूरा हो और कुछ हिस्सा अधूरा हो। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि किसान दो घंटे से खेत जोत रहा है, या मैं दो घंटे से पढ़ा रहा हूं या आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मान लीजिए मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं तो उसमें आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं तो कुछ प्रोसेस जो हमारा कार्य था उसका कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है और कुछ अभी भी बाकी है, इसलिए मैं अभी भी कंटिन्यू हूं, प्रोसेस में है हमारा एक्शन अभी भी, ठीक है। उसी तरह से जैसे किसान दो घंटे से खेत जोत रहा है, तो दो घंटे से खेत जोत रहा है तो खेत का कुछ हिस्सा होगा उसने जोत चुका होगा और जो कुछ हिस्सा बाकी होगा उसे अभी भी जोत रहा है, इसीलिए किसमें कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम बेसिस, ठीक। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? वर्क फॉर्म। तो आइए अब हम वर्क फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया हमारा टाइम। एक्चुअली ये थोड़ा सा गांव साइड है और थोड़ा कस्बा भी है, सड़क के किनारे है कोचिंग, तो इसीलिए थोड़ा सा शोर, थोड़ा गाड़ी उड़ जा रहा है ज्यादा, थोड़ा थोड़ा काउंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आवाज साउंड भी थोड़ा मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपको किया जाएगा इसके बारे में भी। अब आ जाइए वर्ब फॉर्म के बारे में। तो हमको अगर पढ़ना हो वर्ब फॉर्म, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज वर्ब। तो अगर हम कहें वर्ब क्या होता है, तो बच्चे जानते हैं डूइंग वर्ब। ठीक, ये सही है, लेकिन देखिए वर्ब से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो हमें बताता है कि एक्शन हो रहा है, कोई कर रहा है, या किसी के द्वारा हो रहा है, या किसी पर कार्य हो रहा है, या किसी की अवस्था का वर्ण कर रहा है। मतलब अगर यह डूइंग दर्शाता है, वर्ब क्या होता है, डूइंग दर्शाने वाला होता है, हैपनिंग दर्शाने वाला होता है, और आखिर में क्या होता है, स्टेट। स्टेट का मतलब दशा या अवस्था का बोध कराता है। हैपनिंग का मतलब होना और डूइंग का मतलब करना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम इसे बता दे रहे हैं कि करना डूइंग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ काम कर रहा हूं, काम मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो वह डूइंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए गाड़ी चलाते हुए कोई जा रहा है बेचारा, और बेचारा इसलिए कहा कि आगे जाए तो लड़ जाएगा, ठीक है, तो अगर वह बाइक चलाते हुए जा रहा है और उसका दुर्घटना हो गया मान लीजिए, ठीक, तो दुर्घटना हो गया तो अब क्या जानबूझ करके एक्सीडेंट करेगा, जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करेगा, तो डूइंग में नहीं आएगा। यह जो एक्सीडेंट होगा वह अपने आप हो जाता है, इसीलिए इसको हैपनिंग की श्रेणी में रखते हैं। और अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मैं बीमार हूं या मैं कमजोर हूं, वह दुखी है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम किया नहीं जा रहा है, कोई अपने आप भी नहीं हो रहा, बस वह उसके स्टेट ऑफ स्टेट दर्शा रहा है, उसका अवस्था दर्शा रहा है या उसकी दशा दर्शा रहा है। जैसे मैं कहूं आई एम टीचर, तो यह मेरा दशा है, मेरा स्टेट है, ठीक है, कि मैं एक टीचर हूं। ठीक, तो यह हो गया वर्ब। क्या होता है वर्ब? वह शब्द होता है जिससे जो हमें बताया कि काम हो रहा है, काम किया जा रहा है या हो रहा है, या किसी की अवस्था का, वह शब्द जिससे किसी का करना, किसी का होना, या किसी की अवस्था का बोध हो, वर्ब कहलाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म के बारे में। वर्ब के कितने रूप होते हैं? अब देखिए बच्चे, बहुत सारी किताबों में आप पढ़े होंगे पांच, कुछ टीचर भी आपको पढ़ाते होंगे कि पांच रूप होते हैं। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, अब लोग कहेंगे फोर्थ और फिफ्थ में आ जाते हैं। बिफोर क्या होता है? गोइंग। रिफाइव क्या होता है? अब देखिए लोग कहेंगे चार या पांच, लेकिन ये बताइए कि अगर हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मालूम है उसमें हम आई एन जी जोड़ लेंगे, वर्ब का अगर हमें फर्स्ट फॉर्म मालूम है तो उसमें एस या ईएस जोड़ लेंगे। ठीक, तो हम इसको आधार मान करके, फर्स्ट फॉर्म को बेस मान करके हम फोर्थ और फिफ्थ बना सकते हैं, इसीलिए इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसको हम कहते हैं डिराइव्ड फॉर्म। डिराइव्ड फॉर्म जो वी फोर और वी फाइव होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फॉर्म। डिराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न या बनाना, ठीक है, और वो बनता किससे है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो यह वी वन से डिराइव्ड किया गया फॉर्म होता है, और वी वन को क्या मानते हैं? आधार मानते हैं, और वी वन को हम क्या कह सकते हैं? बेस फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म किसको कहते हैं? वी वन को। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कम आ गया, कम केम कम, तो कमिंग कर दे रहे हैं और यहां कम्स कर दे रहे हैं। तो ये वर्ब का बेस फॉर्म भी है गो, और फर्स्ट फॉर्म भी, बेस फॉर्म भी हो गया गो और फर्स्ट फॉर्म भी हो गया गो, बेस फॉर्म हो गया कम और फर्स्ट फॉर्म भी हो गया कम। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए बी डू और है, बी डू और है, ये हो गया हमारा बेस फॉर्म।
इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बी का इज, एम और आर। डू क्या होता है, उसका डू का फर्स्ट फॉर्म डू या डज। हैव का फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव। सेकेंड फॉर्म में आ जाते हैं, बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज और वर। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड। अब आ जाते हैं थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। और हैव का थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो ये तीन वर्ब के ऐसे रूप हैं जिनका बेस फॉर्म अलग और फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। जैसे बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, वाज वर सेकेंड फॉर्म और बी थर्ड फॉर्म। डू का फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि क्रिया के वर्ब के कितने रूप होते हैं, तीन। क्योंकि ये जो वी फोर और वी फाइव है इसको तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यह कहेंगे कि वर्ब के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं, तीन। मुख्य रूप से वर्ब के तीन रूप होते हैं और जो लोग कहते हैं चौथा या पांचवा उसको हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बना सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए कि टेंस में वर्ब का रूप यूज कैसे किया जाता है। ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसके लिए एक बार फिर से अभी इसको एक बार हम बता दें फिर उसको बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा वर्ब का फर्स्ट वर्ब फॉर्म, तो वर्ब फॉर्म को पढ़ने से पहले हमने क्या कहा, वर्ब के रूप को पढ़ लेते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है वह शब्द जिससे हम किसी का करना होना या किसी की अवस्था या दशा का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आइए वर्ब फॉर्म के बारे में, हमने कहा कि वर्ब फॉर्म मुख्य रूप से तीन होते हैं लेकिन कई जगहों पे कई किताबों में भी आप पढ़ेंगे कि पांच होते हैं, पांच दर्शाए जाते हैं। लेकिन हम तीन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही वर्ब का फोर्थ और फिफ्थ रूप जो होता है उसे हम बना सकते हैं। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड याद कर लो, यही बहुत ज्यादा है। ज्यादा बच्चों के माइंड को प्रेशर भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करो, फोर्थ और फिफ्थ अपने आप बना लोगे, क्योंकि आई एच जोड़ना है या सी एच जोड़ना है वो तो हो जाएगा, ठीक है। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसी को हम बेस मान करके, आधार मान करके हम फोर्थ और फिफ्थ बनाते हैं, इसीलिए हम इसको बेस फॉर्म भी कर सकते हैं। तो अब आती है बात की वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या हमेशा सेम होता है, जी नहीं। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है और फर्स्ट फॉर्म होता है, कुछ जो वर्ब होते हैं उनका अलग होता है। जैसे बी का बेस फॉर्म, डू का बेस फॉर्म और हैव का बेस फॉर्म अलग होता है। इनका फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, जो इनका बेस फॉर्म होता है उनके फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे बी का बेस फॉर्म बी हो गया, फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, इज एम और आर। डू का बेस फॉर्म क्या हो गया, डू, और इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया डू या डस। है बेस फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हैज या है। अब आते हैं, बात आती है कि अब इसका टेंस के हम कैसे यूज करेंगे। अब रुक जाइए एक बात थोड़ा सा जिससे हम बता दे रहे हैं। अब हम फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म नहीं लिखेंगे, अब केवल देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड और वर्ब का थर्ड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहो या यहां पर लिख रहे हैं बेस फॉर्म, बेस फॉर्म या वी1, ठीक। आइए पढ़ते हैं वी1। जैसे मान लीजिए हम लिखा है गो, कम, प्ले, की, ठीक। तो गो का हो जाएगा वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। कम का केम और कम, प्ले का प्ले, प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। कीप का केप और थर्ड फॉर्म भी केप ही होता है, ठीक। अब आ जाते हैं जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे बी, इसको कहेंगे हम बेस फॉर्म और इसका वी1 इज एम आर, वी2 वाज और वर, V3 क्या होता है, बी। डू का डू या डज, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन,
ठीक। और उसके बाद आखिरी है, इसका फर्स्ट फॉर्म हैज, सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। ठीक, अब देखते हैं ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है, इसका हम प्रयोग कहां करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। ये कहां यूज होगा? ये दोनों, ये दोनों यूज होगा प्रेजेंट बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। ठीक, सेकेंड फॉर्म कहां यूज करते हैं? पास्ट टेंस में। और थर्ड फॉर्म का कहां यूज होता है? हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि थर्ड फॉर्म का कहां यूज करेंगे? फ्यूचर। लेकिन ध्यान रखिए, थर्ड फॉर्म का यूज होता है परफेक्ट टेंस और कहां? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस याद होगा आपको, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ाया? जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या बेस फॉर्म होता है उसका यूज कहां करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। सेकेंड फॉर्म कहां यूज करते हैं? पास्ट टेंस में। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां यूज करते हैं? परफेक्ट और पैसिव वॉइस में। जैसे देखिए, बी का रूप इज एम आर प्रेजेंट में, डू डस प्रेजेंट में, हैज है प्रेजेंट में। ठीक, सेकेंड फॉर्म कहां यूज करेंगे? पास्ट में, वाज वर डिड और हैड ये सब पास्ट में यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म जो बीन है, डन है और हैड है, ये हमेशा परफेक्ट में यूज होता है। और कहां यूज करते हैं? परफेक्ट और पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब हम टेंस में इसका यूज कैसे करेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम और टेक केयर। ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।